आपसे एनलाइटनमेंट के लिटरल मीनिंग और कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर लिया, अब हम इसको डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल। ठीक है, नाउ व्हाट इज एनलाइटनमेंट थॉट। ठीक है, जो अब हमारी डिस्कशन है वो अब हम शुरू कर रहे हैं इन डिटेल। एज यू कैन सी ऑन द टॉप, Enlightenment was 17th and 18th century anti-traditionalist, anti-foundationalist, and anti-fundamentalist movement began in Europe. ये बात तो हमने डिस्कस की शुरू में कि ये 17 और 18 सेंचुरी की एक मूवमेंट है जो कि यूरोप में शुरू हुई। लेकिन यहां पे आप तीन अल्फाज देख रहे हैं, एंटी ट्रेडिशनलिस्ट। किसी की भी चीज के साथ अगर एंटी लग जाए तो इसका मतलब होता है अपोजिट। तो ये एक ऐसी मूवमेंट, एक ऐसी तहरीक थी जो किसके खिलाफ थी, रिवायतों के खिलाफ थी। और रिवायतों का अभी जिक्र कुछ स्टूडेंट्स ने किया और मैंने भी आपसे शेयर किया कि रिवायतें क्या होती। रिवायतें जो किसी के कहने और किसी के सुनने पर आप उस पर अमल कर दें बगैर अपनी जांच पड़ताल किए कि आया जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, उसको हम कहते हैं रिवायत। तो जो एनलाइटनमेंट का थॉट है उसने रिवायतों को तोड़ने के लिए काम किया, यानी लोगों को एजुकेट किया कि ठीक है रिवायतों पर अमल करो, उस वक्त करो जब तुम्हें पता चल जाए कि जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो सही है, लॉजिकली उसके अंदर कोई लॉजिकल कनेक्शन है तो फिर उसको आप उस पर अमल करो। सो इट वॉज एंटी ट्रेडिशनलिस्ट, एंटी फाउंडेशनलिस्ट। जो लोग बुनियाद परस्त होते हैं, बुनियाद परस्त हम उन लोगों को कहते हैं जो किसी बात पर अगर अड़ जाएं तो उसी बात पर रहते हैं, उसके अलावा किसी की कोई बात नहीं सुनते। ठीक है, सो बुनियाद परस्त मजहब में भी होते हैं, कल्चर में भी होते हैं, जुबान में भी होते हैं, सियासत में भी होते हैं, साइंस में भी होते हैं, आर्ट्स में भी होते हैं, हर जगह बुनियाद परस्त लोग मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इट वॉज एंटी फाउंडेशनलिस्ट। और इसके साथ एक और लफ्ज लिखा है एंटी फंडामेंटलिस्ट। फंडामेंटलिस्ट भी एक्चुअली वो लोग होते हैं जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। तो ये जो मूवमेंट थी जो कि यूरोप में शुरू हुई, इट वॉज ऑल अबाउट such kind of thing. Now if you have a look toward this picture, ये एक painting, बड़ी मशहूर painting है जो हमें ये बता रही है कि enlightenment actually है क्या। जिसने ये painting बनाई है वो ये बताना चाह रहा है कि जितने भी लोग बैठे हुए ये इनका ताल्लुक यूरोप की मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से था, यानी इसमें कोई साइंटिस्ट भी है बैठा हुआ है, इसमें कोई आर्टिस्ट भी है, इसमें कोई म्यूजिशियन भी है, इसमें कोई फिलोसोफर भी है, इसमें कोई इकोनॉमिक्स भी है, यानी जितने भी इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड लोग हैं जो रीजंस को समझते हैं, अकल पर अमल पैरा होते हैं, अकली तकाजों को फॉलो करते हैं, वो तमाम लोग इकट्ठा हुए इस मूवमेंट के अंदर। ठीक है, और सबने अपनी अपनी फील्ड के अंदर यूरोपियन माशरे को एनलाइटन करने की कोशिश की और कंट्रीब्यूट किया। फिलोसफर्स ने अपनी कंट्रीब्यूशन की, समझाने की कोशिश की, साइंटिस्ट ने अपनी कोशिश की, ठीक है, पेंटिंग और पेंटर्स ने अपनी कोशिश की, म्यूजिशियन ने, पोइट्स ने, राइटर्स ने, नॉवलिस्ट ने, साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने, सबने अपनी अपनी प्रैक्टिस की और अपनी अपनी कोशिश की
यूरोपीय माशरे को एनलाइटन करने के लिए, ठीक है। ये जो दौर है जिसकी आपने बात की 17th और 18th सेंचुरी, इसको हम हिस्ट्री के अंदर एज ऑफ एनलाइटनमेंट के नाम से याद करते हैं। यानी जब भी 17th और 18th सेंचुरी की बात होगी हिस्ट्री में कहीं भी, तो 17th और 18th सेंचुरी के को याद किया जाएगा एज ऑफ एनलाइटनमेंट, यानी एनलाइटनमेंट का दौर, एनलाइटनमेंट का पीरियड, यानी एजुकेशन का पीरियड, इल्म हासिल करने का दौर यूरोप के अंदर, ठीक है। किस किस्म की मूवमेंट थी, तहरीक थी? एनलाइटनमेंट वॉज रीजन एंड इंडिविजुअल ओरिएंटेड मूवमेंट, एक ऐसी तहरीक जिसमें फोकस किया गया रीजन को, यानी अकल को, लॉजिक को, और अहमियत दी गई इंडिविजुअल को, इंफरादी शख्सियत को। इंफरादी शख्सियत का मतलब ये होता है कि हर किसी की बात सुनी गई। ये जो अगर मैंने तस्वीर आपको ये दिखाई है, इसमें मुख्तलिफ इंडिविजुअल बैठे हैं। ये नहीं कि ये सब कोई यूनियन बना के बैठे हुए हैं या ये कोई ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। इसमें जितने भी लोग हैं सबके थॉट को सुना गया और सबने आपस में एक दूसरे के थॉट्स को शेयर किया, ठीक है। पहले ये होता था कि एक शख्स होता था और उसकी सब बात सुनते थे। एनलाइटनमेंट पहले यूरोप में क्या होता था कि अथॉरिटी होती थी और जो वो कह दे सबको उस पर अमल करना होता था, और किसी को कहने की और पूछने की गुंजाइश नहीं होती थी। किसी को भी पूछने और कुछ कहने की ना तो इजाजत होती थी ना गुंजाइश होती थी। तो एनलाइटनमेंट का जो कारनामा है वो ये है कि इंफरादी शख्सियत के ख्यालात को अहमियत दी गई, इंडिविजुअल थॉट्स को, इंडिविजुअल थिंकिंग को, उनके आइडियाज को, उनकी कंट्रीब्यूशन को अहमियत दी गई, और सबने मिलकर एक दूसरे के थॉट्स को बैकअप किया, सपोर्ट किया, और मिलकर काम किया अपने अपने ख्यालात के ऊपर यूरोपीय माशरे को एजुकेट करने के लिए। और कोई भी माशरा उसी वक्त एजुकेट होता है जब किसी माशरे के मुख्तलिफ लोग, तालीम याफ्ता लोग, ये ठान लें कि हमें इस माशरे को चेंज करना है, हमें इस माशरे के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आनी है, ठीक है। तो ये जो पूरी दुनिया के अंदर ये जो निज़ाम इस वक्त है, सिस्टम जो मौजूद है, एजुकेशन का, यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का, स्कूल का, ठीक है, और सोशल मीडिया के जरिए लर्निंग का, ये एक्चुअली एनलाइटनमेंट की ही वजह से। हम भी क्या कर रहे हैं एक्चुअली, इदारे, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, एचईसी या दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी क्या करती है, एजुकेट कर रही होती है मास्टर को। किसको पढ़ाया जा रहा होता है? यंग स्टूडेंट्स को, यूर ऑल यंग पीपल, ठीक है। किसी ऐसे स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया जा रहा होता, वैसे उसमें कोई रुकावट नहीं है, कि जिसकी उम्र 80 साल हो। एट द लेवल इन विच यू आर अराउंड 18, 20, 22, वट एवर द एज यू हैव, यू आर द पीपल हु वुड बी नेक्स्ट जनरेशन। आज से 10 साल बाद यू वुड बी रूलिंग। तो जो एजुकेट आपको इस वक्त बताया जा रहा है, आप अपनी आने वाली नस्लों को एजुकेट करेंगे और यू माशरे के अंदर चेंज आता रहेगा, माशरे में तब्दीली आती रहेगी, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि एनलाइटनमेंट की मूवमेंट जो है, इट वाज रीजन एंड इंडिविजुअल ओरिएंटेड। रीजन मैंने बता दिया आपको, अकल या लॉजिक का इस्तेमाल अपनी बातों में, किसी बात को समझने में, किसी बात की जवाब हासिल करने में, किसी बात के रीजन फाइंड करने में रीजन का इस्तेमाल, और उसके साथ साथ इंडिविजुअल थॉट्स की अहमियत, सबको सुना जाता है और सबकी बातों पर जो है वो गौर फिक्र किया जाता है, और फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है माशरे में लोगों को, सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए। ये यहाँ तक बात क्लियर आपको?
यहां पर है द बैकग्राउंड ऑफ एनलाइटनमेंट। देखिए हम बात तो कर रहे हैं लेकिन जब तक हमें एनलाइटनमेंट का बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो हम उसके बारे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हमें अगर उसका बैकग्राउंड पता है तो हम उस बैकग्राउंड को जान सकते हैं। सोबान परवेज, जी सोबान परवेज जरा मुझसे बात कीजिए जरा ऑडियो पर। ये जो आप नक्श निगारी आपने की जरा बता देंगे क्या है ये? आपका नाम मैंने देख लिया बेटा, ठीक है, आपका नाम लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। ठीक है, आपका नाम यहाँ पे बेमस लिखा हुआ आ गया, तो काइंडली जरा बिहेवियर को अपने पॉजिटिव रखिए। वीडियो ऑलरेडी मौजूद है यूनिवर्सिटी में, आपकी वीडियो मैं दे दूंगा तो आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्लीज बी केयरफुल। ठीक है जी, तो हम बात कर रहे थे द बैकग्राउंड ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट थिंकर्स डिवाइडेड द पास्ट इंटू एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, यानी जो 17 और 18 सेंचुरी के जो थिंकर्स हैं उन्होंने जो पूरी हिस्ट्री है उसको डिवाइड किया तीन पीरियड के अंदर। एक पीरियड है एंशियंट पीरियड, एक पीरियड है मिडिवल पीरियड और एक पीरियड है मॉडर्न पीरियड, ठीक है। सो द थिंकर्स ऑफ एनलाइटनमेंट हैव डिवाइडेड द पास्ट इंटू थ्री पीरियड, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। एंशियंट पीरियड वॉज डिग्निफाइड वर्ल्ड ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। एंशियंट पीरियड हम कहते हैं वो पीरियड जो कि 600 BCE से शुरू हुआ, बिफोर क्रिश्चियन एरा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले शुरू हुआ और उसका अख्तिताम कब हुआ? 500 CE, यानी हजरत ईसा के आने के बाद 500 साल बाद उसका अख्तिताम हुआ, ठीक है। तो जो एंशियंट पीरियड था उसको वो कहते हैं डिग्निफाइड वर्ल्ड, यानी वो ये वो पीरियड था, दौर था जिसमें लोगों ने बहुत काम किया सोच के ऊपर, फलसफे में, एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी पे, फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, बायोलॉजी पर, मैथमेटिक्स पर, ठीक है, और रिलीजन पर, पोइट्री पर, आर्ट पर, लिटरेचर पर। दे वर सो हार्ड वर्किंग पीपल ऑफ दिस पीरियड दैट दे हैव कंट्रीब्यूटेड सो मच, दे हैव एजुकेटेड सो मच टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूरोप का पढ़ा लिखा दौर जो है वो एंशियंट पीरियड कहलाता है। देन द सेकेंड पीरियड जिसको वो कहते हैं मिडिवल पीरियड, वो कहते हैं कि जो मिडिवल पीरियड है इट वॉज डोमिनेटेड बाय चर्च। ये वो दौर था जिसमें चर्च, जो क्रिश्चियन चर्च थी, कैथोलिक चर्च थी, बेसिकली दो किस्म की चर्च होती है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो जो कैथोलिक फिरका था क्रिश्चियन का वो हावी था पूरे माशरे के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैथोलिक चर्च थी वो अथॉरिटी थी,
और किसी को भी कोई भी काम करने की इजाजत, अगर कोई काम करना होता तो उनको उस काम करने की इजाजत लेनी पड़ती कैथोलिक चर्च के सरबराह से या पादरी से या बिशप से। अगर वो अलाउ करते तो कोई कुछ लिखता, अगर वो अलाउ करते तो कोई कुछ तहकीक करता, अगर वो अलाउ करते तो कोई बाइबल पढ़ता। लेकिन अगर वो अलाउ नहीं करते तो किसी को इजाजत नहीं थी कि वो अपनी तरफ से कोई शायरी करे, कोई पेंटिंग करे, कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करे, मजहब की स्टडी करे। दे वर नॉट अलाउड। ठीक है। इट वॉज अ टाइम ऑफ इरेशनैलिटी एंड बार्बरिज्म। मिडिवल दौर जो गुजरा है वो क्या दौर था यूरोप का? इरेशनैलिटी यानी अकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं, रीजन की गुंजाइश नहीं, किसी को रीजन देने की इजाजत नहीं होती, ना कोई रीजन देता है, जो जिसकी मर्जी होती वो करता। सो इट वॉज अ टाइम ऑफ इरेशनैलिटी एंड इट वॉज अ टाइम ऑफ बार्बिज्म। नॉर्थ कोरिया में ऐसा तो नहीं होता, बेहतर है अभी भी, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो बहुत ही एक्सट्रीम है। इसको जब आप पढ़ेंगे, मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्थ कोरिया तो वो अपने शहरियों के लिए तो बिल्कुल सही है और अपने मुल्क को उन्होंने तरक्की दी है, तो ऐसा वहां नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जब हम ये बात करते हैं इस दौर की, तो ये तो बहुत ही एक अलग इसकी सिचुएशन। सो इट वॉज द टाइम ऑफ इरेशनैलिटी एंड बार्बिज्म। तीसरा पीरियड जिसको हम कहते हैं द अर्ली मॉडर्न पीरियड, अर्ली मॉडर्न पीरियड, ये अर्ली मॉडर्न पीरियड क्या है? अच्छा, यहां पे देख लेते हैं कि जो मिडिवल पीरियड है इसका जो टाइम पीरियड है वो 500 से 1492। इसका मतलब है कि 1000 साल तक यूरोप में एक ऐसा दौर रहा कि जिसमें आपस के कबीलों में झगड़े रहे और अकल की जारादारी नहीं रही, और उसके साथ साथ ये जो क्रिश्चियन चर्च थी इसने हमेशा अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करके लोगों को और उनकी जरूरियात को नुकसान पहुंचाया। ठीक है। अर्ली मॉडर्न पीरियड क्या था? अर्ली मॉडर्न पीरियड वो था जहां पर अकल का इस्तेमाल किया गया, सवालात उठाए गए, लोगों को एक्सप्लोर करने, रिसर्च करने का मौका मिला, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिला, अपने इंडिविजुअल टैलेंट शो करने का मौका मिला, इल्म हासिल करने, साइंस को पढ़ने, मजहब को स्टडी करने का खुलकर मौका दिया गया। ठीक है। और ये वो दौर था जिसमें यूरोप ने बहुत तरक्की की, एंड इट बिगन इन 1422-1795, एंड देन फ्रॉम 1795 टू 1914 या अब तक। ठीक है। तो इसको हम मॉडर्न पीरियड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, द अर्ली मॉडर्न पीरियड एंड द लेट मॉडर्न पीरियड। तो ये था बैकग्राउंड ऑफ द एनलाइटनमेंट। तो अब इससे जो हमने कंक्लूजन निकालने की कोशिश की वो ये कि एनलाइटनमेंट की मूवमेंट शुरू इसलिए हुई, अब ये पॉइंट जरा सुनिएगा गौर से, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनलाइटनमेंट की जो मूवमेंट है वो इसलिए शुरू हुई ताकि मिडिवल पीरियड में लोगों के जहनों पर जो पाबंदी लगी थी और जिससे उनकी आइंदा आने वाली नस्लों के जहनों पर जंग लग चुका था, और उनकी सोचने, समझने और सवाल पूछने की जो सलाहियत है उसको रोक दिया गया था। एनलाइटनमेंट की कोशिश ये थी कि दोबारा से लोगों को तैयार किया जाए, लोगों को उनको सोचने, सवाल पूछने और इन्वेस्टिगेट करने और रिसर्च करने का मौका फराहम किया जाए। इसीलिए द मूवमेंट बिगन, ताकि तरक्की की जाए और दुनिया में चेंज लाया जाए।
एनलाइटनमेंट ने जिन चीजों से मदद ली वो इस स्लाइड में मैं आपको समझाता हूं और उस पर जरा फोकस कीजिएगा। ये जो आपको अंडरलाइन दो अल्फाज नजर आ रहे हैं, रेनिसा और रिफॉर्मेशन, ठीक, इसको जरा हम समझते हैं थोड़ा सा तामुल से ताकि पॉइंट हमारा क्लियर हो जाए। ये जो आप यहां देख रहे हैं मिडिवल पीरियड 500 से 1492 पर खत्म हुआ, ठीक है, 1492 पे ही एक मूवमेंट शुरू हुई जिसका नाम था रेनिसा, ठीक है, ये एक इटालियन वर्ड है और रेनिसा का मतलब है रीबर्थ ऑफ कल्चर, ठीक है। क्योंकि मिडिवल पीरियड के अंदर लोगों को सोचने समझने कल्चरल प्रैक्टिस करने म्यूजिक आर्ट स्पोर्ट्स और इन तमाम चीजों की इजाजत नहीं थी 1000 साल तक, और जब वो मिडिवल पीरियड खत्म हुआ तो जो एक मूवमेंट शुरू हुई बड़ी मूवमेंट उसका नाम था रेनिसा, और रेनिसा का मतलब है रीबर्थ ऑफ कल्चर, ठीक है। बार्बरिज्म का मतलब है जुल्म, और रीबर्थ ऑफ कल्चर का मतलब है कि दोबारा से जो खोया हुआ कल्चर है उसको रिवाइव किया जाए, उसको हासिल किया जाए, ठीक है, रीबर्थ ऑफ कल्चर। तो जब मिडिवल पीरियड खत्म हुआ तो एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू हुई जिसका नाम था रेनिसा, और रेनिसा का बुनियादी मतलब यह था कि वो जो सोया हुआ कल्चर, खोया हुआ कल्चर, भूला हुआ कल्चर था उसको दोबारा से हासिल किया जाए। कौन सा कल्चर? क्लासिकल पीरियड का कल्चर, एंशियंट पीरियड का कल्चर, जहां पे फिलॉसफी साइंस ये जो कल्चर मैंने बात की आपसे एंशियंट पीरियड, इसको दोबारा से पढ़ा जाए। तो रेनिसा का बुनियादी मकसद ये था कि दोबारा से जो कुछ भी एंशियंट कल्चर में पढ़ाया गया ग्रीक फिलॉसफी में एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस आर्ट उसको दोबारा से पढ़ा जाए, और दोबारा से पढ़ के उससे इस्तफाजा हासिल किया जाए, उससे बेनिफिट हासिल किया जाए और मार्शल में अप्लाई किया जाए, ठीक है। इसी रेनिसा के साथ एक और मूवमेंट जिसको कहते हैं रीफॉर्मेशन, ठीक है, रीफॉर्मेशन की जो मूवमेंट थी इसका ताल्लुक था मजहबी रिवाइवल से। किस चीज से था? रिलीजियस फिलोसफर्स को फॉलो करने के लिए। जी बिल्कुल, फिलोसफर को भी और आम इंसान को भी फॉलो करने के लिए। ओके सर। तो जो रिफॉर्मेशन की तहरीक थी उसका ताल्लुक था रिलीजियस रिवाइवल से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको ये पॉइंट याद है कि मिडिवल पीरियड में किसकी डोमिनेशन थी? चर्च की। अब जब चर्च की डोमिनेशन थी तो चर्च ही हर चीज की अथॉरिटी थी, किसी को ये इजाजत नहीं थी कि बाइबल की किसी आयत को पढ़कर उसका तर्जुमा करके खुद समझे, किसी को अलाउ नहीं था। और जो चर्च थी वो ये कहती थी कि हम डायरेक्ट अल्लाह ताला के नुमाइंदे और अल्लाह जो हमें हुक्म देता है उस पर हम अमल करवाते हैं अवाम के ऊपर, और अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि किसी को इजाजत नहीं है कि वो इल्म हासिल करे, तरक्की करे, सवालात पूछे, क्रिटिकल थिंकिंग करे, लॉजिक इस्तेमाल करे, बाइबल पढ़े, और अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो हमसे पूछे, हम बताएंगे, किसी इंडिविजुअल को इस बात की इजाजत नहीं है। फिर जो मिडिवल जी सर, लेकिन इससे पहले जो है वो एज ऑफ एनलाइटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आ गया था ना, फिलोसफर्स ने दे दिया था ना। एज ऑफ एनलाइटमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो तो 17 सेंचुरी में शुरू हुआ। मैं जो उस वक्त बात कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ 15 सेंचुरी, ठीक है, एज ऑफ एनलाइटमेंट तो 17 सेंचुरी में शुरू हुआ ना। तो पीपल वर नॉट अलाउड, उनको इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो कोई डायरेक्ट सवाल कर सके, यहां तक कि चर्च इतनी पावरफुल थी उस जमाने के अंदर कि वो अगर कोई इंसान गुनाह करता तो वो कहते कि हम डायरेक्ट आपके गुनाह को माफ
कर सकते हैं और करवा सकते हैं। और उसका तरीका यह है कि चर्च जो है वो एक सर्टिफिकेट जारी करती थी, उस सर्टिफिकेट पे ये, और वो हर गुना के हिसाब से सर्टिफिकेट होते थे, ठीक है, जितना बड़ा गुना होता था उसके उतने ज्यादा पैसे होते थे। तो अब अगर किसी ने कोई जुर्म किया है और वो पकड़ा गया तो चर्च ये कहती थी कि अगर आप हमें इतने पैसे दे दें तो हम आपको सर्टिफिकेट ऑफ क्लियरेंस दे देंगे कि अब अल्लाह के सामने आपका जो गुनाह है तस्लीम हो गया है और अब आप बिल्कुल फ्रेश हो गए, अब आप बिल्कुल पाक हो गए। तो चर्च लोगों को मैनिपुलेट करती थी, उनको उनसे खेलती थी, उनको बेवकूफ बनाती थी और उनसे अपने मफादात यानी पैसे और तमाम चीजें इकट्ठा करती थी। तो इसके खिलाफ जो है वो तहरीक शुरू हुई जिसका नाम था रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन ने टारगेट किया चर्च को और लोगों को बताया कि जो कैथोलिक चर्च है उसके जो भी इकदाम हैं वो गलत हैं, इंसान को इस बात की आज़ादी है कि वो सोचे और रिलीजन को खुद स्टडी करे और जहां उसको कन्फ्यूजन हो वो खुद सवाल उठाए और सवाल के लिए एक्सप्लोर करे या इन्वेस्टिगेट करे। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है, उस अकल को इस्तेमाल करते हुए इंसान बाइबल पढ़ सकता है और उसको पढ़नी चाहिए। तो जब लोगों के समझ में आया तो उन्होंने चर्च के खिलाफ एक तहरीक शुरू की, उस तहरीक का नाम क्या था, रिफॉर्मेशन, ठीक है। सर ये जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट थी ये भी 1492 में ही स्टार्ट हुई है? ये हाँ एग्जैक्टली 1492 के बाद शुरू हुई है, तकरीबन 1515 के बाद। ओके सर, ठीक है। तो रेनिसा हो या रिफॉर्मेशन हो, इन दोनों जो तहरीकें हैं, इन दोनों तहरीकों का जो एजेंडा था वो था ह्यूमनिज्म यानी इंसानियत, ठीक है। और इंसानियत को समझने के लिए ये जरूरी था कि पहले आने वाले कल्चर के बारे में पढ़ा जाए, उनसे इस्तफाजा हासिल किया जाए, उनसे जो लर्निंग है वो की जाए और अपने आप को अपने ख्यालात को आज़ाद किया जाए। तो ये रिफॉर्मेशन और ये एक पॉइंट मैंने जो आपसे डिस्कस किया ये जरूरी था डिस्कस करना, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको अभी रखते हैं और कल की क्लास में, कल या अगले वीक की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो आपके पास अभी 6-7 मिनट हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो आप इस वक्त मुझसे पूछ सकते हैं ताकि जो कंफ्यूजन अभी क्रिएट हो रही है उसको आप क्लियर कर लें, और एक एक करके सवाल पूछेंगे तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। रेनिसा का मतलब है रीबर्थ ऑफ कल्चर। ये एक ऐसी मूवमेंट थी जो मिडिवल पीरियड के बाद शुरू हुई और इस मूवमेंट का बुनियादी मकसद ये था कि जो लोग 1000 साल तक किताबों से, इल्म से, कल्चर से, साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी से दूर रहे मिडिवल एज की वजह से, दोबारा से उनकी कोशिश थी कि दोबारा से ग्रीक और एंशियंट जो टेक्स्ट है, जो किताबें हैं, जो इल्म है उसको पढ़ा जाए और फिर वही तरक्की हासिल की जाए जो कि एंशियंट पीरियड के अंदर थी, ठीक है। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ मूवमेंट। एंटी फाउंडेशनिस्ट का मतलब होता है कि जो बुनियाद परस लोग होते हैं, ठीक है, फाउंडेशन कहते हैं बुनियाद को, ठीक है, बुनियाद परस वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई जो कुछ हमें बता दिया गया है हम ना तो उससे ज्यादा सोचेंगे ना उससे कम सोचेंगे, जो हमारे आबा अजदाद ने हमें बताया है, जो हमें तालीमात दी हैं हम उससे हटेंगे नहीं, अपनी फाउंडेशन को नहीं छोड़ेंगे। अब वो फाउंडेशन चाहे जहालत पे क्यों ना हो, चाहे जहालत की टीचिंग पे क्यों ना हो, तो वो लोग इतने स्टिक होते हैं अपने उसूलों से कि वो उससे हटने को तैयार नहीं होते। तो ये जो एनलाइटनमेंट है इट वॉज एंटी फाउंडेशनल मूवमेंट, यानी बुनियाद परस्तों के खिलाफ ये मूवमेंट, ताकि उनको तो आमादा किया जाए कि भाई ठीक है तुम जिस बुनियाद पर उस पर रहो लेकिन उस पर पहले सोच तो लो कि जो तुम कर रहे हो सही हो या गलत है। दिस इज एंटी फाउंडेशनलिज्म।
ठीक है जी, दो सवाल क्लियर हो गए। और कोई सवाल है किसको करना है? नो मोर क्वेश्चन? चलें जी, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास। इंशाल्लाह जब कल हमारी क्लास होगी या जब भी हमारी क्लास होगी तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ के जरूर आइएगा। ये स्लाइड्स मैं आपको ईमेल कर दूंगा, जो आपके सी आर हैं वो मुझे अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है शायद, तो आई विल कन्वे दिस टू यू। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।